गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम इंजीनियर अजय। वेलकम ऑल ऑफ यू इन डिजिटल क्लासेस प्रोवाइडेड बाय राजस्थान एकेडमी चूरू फॉर प्रिपरेशन ऑफ एंट्रेंस एग्जाम ऑफ सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, राय स्पोर्ट्स स्कूल एंड RIMC। स्टूडेंट्स, ये अपने सब्जेक्ट सामान्य ज्ञान की क्लास है और आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। ठीक है, तो जल संधियाँ क्या होता है? जहाँ पे दो कोई भी जल के हैं, सोर्स हैं, साधन हैं, वो आकर मिलते हैं, उसको क्या कहते हैं? हम जल संधियाँ कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली जल संधि है मलक्का। जल संधि का नाम है मलक्का और हमने जल संधियों को तीन भागों में विभाजित कर दिया है इसको। एक तो जल संधि का नाम हो जाएगा, दूसरा वह किस किस को जोड़ती है वो हो जाएगा, और तीसरा उसकी भौगोलिक स्थिति कहाँ है, कहाँ पर वो स्थित है। तो आप देखिए, पहली जल संधि है मलक्का। जल संधि का नाम हो गया मलक्का और ये अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। ये किस किस को जोड़ती है? अंडमान सागर को और दक्षिण चीन सागर है, उन दोनों को आपस में जोड़ती है मलक्का जो जल संधि है वो। ठीक है, और भौगोलिक स्थिति है ये इंडोनेशिया और मलेशिया में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे जल संधि का नाम क्या है, मलक्का। ठीक है, किस किस को जोड़ती है ये? एक तो अंडमान सागर को किसके साथ जोड़ती है? दक्षिण चीन सागर के साथ जोड़ती है। तो मलक्का जल संधि अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर के साथ जोड़ती है। इसकी मलक्का जल संधि की भौगोलिक स्थिति कौन सी है? इंडोनेशिया और मलेशिया। ठीक है, अब आते हैं दूसरी पे। दूसरी जल संधि का नाम है पाक। पाक जल संधि है वो है मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। जो पाक जल संधि है वो मन्नार और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है, पाक जल संधि की भौगोलिक स्थिति देखते हैं। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका में स्थित है। ठीक है, तो अब देखिए जल संधि का नाम क्या है, पाक। ठीक है, पाक जल संधि किस किस को जोड़ती है? पाक जल संधि मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। ठीक है, पाक जल संधि की भौगोलिक स्थिति क्या है? पाक जल संधि भारत और श्रीलंका में स्थित है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। तीसरे नंबर पे है जल संधि का नाम है लुजोन। कौन सी जल संधि है? लुजोन जल संधि है। लुजोन जल संधि किस किस को जोड़ती है? लुजोन जल संधि दक्षिण चीन एवं फिलीपींस सागर को जोड़ती है। लुजोन जल संधि दक्षिण चीन एवं फिलीपींस सागर को जोड़ती है। ठीक है, लुजोन जल संधि की भौगोलिक स्थिति क्या है? लुजोन जल संधि ताइवान और फिलीपींस में स्थित है। ठीक है, लुजोन जल संधि है वो ताइवान और फिलीपींस में स्थित है। तो देखिए, लुजोन जल संधि का नाम क्या हो गया, लुजोन जल संधि। ठीक है, लुजोन जल संधि की किस किस को जोड़ती है? लुजोन जल संधि दक्षिण चीन एवं फिलीपींस सागर को जोड़ती है। लुजोन जल संधि की भौगोलिक स्थिति क्या है? लुजोन जल संधि ताइवान और फिलीपींस में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं फोर्थ नंबर पे है। जल संधि का नाम है बेरिंग जल संधि किस किस को जोड़ती है? बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर को जोड़ती है।
बेरिंग जलसंधि है वो बेरिंग सागर एवं चुकसी सागर को जोड़ती है। बेरिंग जलसंधि की भौगोलिक स्थिति देखिए, बेरिंग जलसंधि अलास्का और रूस में स्थित है, ठीक है। बेरिंग जलसंधि अलास्का और रूस में स्थित है। अब जलसंधि का नाम देखिए, जलसंधि का नाम क्या हो गया, बेरिंग जलसंधि। बेरिंग जलसंधि किस किस को जोड़ती है, बेरिंग जलसंधि बेरिंग सागर एवं चुकसी सागर को जोड़ती है। बेरिंग जलसंधि की भौगोलिक स्थिति क्या हो गई, बेरिंग जलसंधि अलास्का और रूस में स्थित है। अब नेक्स्ट देखिए, जलसंधि का नाम है डेविस, डेविस जलसंधि। डेविस जलसंधि किस किस को जोड़ती है, डेविस जलसंधि बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और डेविस जलसंधि की भौगोलिक स्थिति क्या है, डेविस जलसंधि ग्रीनलैंड और कनाडा में स्थित है, ठीक है। तो जलसंधि का नाम क्या हो गया, डेविस जलसंधि। डेविस जलसंधि किस किस को जोड़ती है, डेविस जलसंधि बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और डेविस जलसंधि की भौगोलिक स्थिति क्या हो गई, डेविस जलसंधि ग्रीनलैंड और कनाडा में स्थित है। तो ये आज हमने विश्व की कुछ प्रमुख जलसंधियों के बारे में पढ़ा, इनको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।